नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियो से हम सिर्फ क्रिस्टल्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो आज भी बहुत से और जो बहुत ज़्यादा नायाब क्रिस्टल्स हैं उनके बारे में मैं जानकारी लेकर आई हूँ। सो आज जिस क्रिस्टल के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है मेलाशाइट। इसका एक और भी नाम है, इसे किडनी स्टोन से भी जाना जाता है। अभी जब मैं पूरी डिटेल में बात करूँगी तो जानेंगे कि क्यों कहा जाता है इसे किडनी स्टोन। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि इसे किडनी स्टोन क्यों कहा जाता है। आप जब भी इसके पैटर्न्स को देखेंगे या इसकी शेप अगर आपको मिलेगी तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे प्रिंटेड ना आपको किडनी फॉर्म में ऐसे सर्कल्स की तरह मिलेंगे। शेप ऐसी होगी बीन्स जैसी, थोड़ी ओवल एंड ऑल। और जब मैंने भी ये क्रिस्टल को फर्स्ट टाइम देखा था और सुना था ना, तो ऐसा कुछ लग रहा था कि एक स्टोन, एक किडनी पेशेंट को ये स्टोन डालकर पानी पिला देंगे तो उनकी किडनीज ठीक हो जाएंगी। सच में शुरू में जब हम ऐसी किसी मोडालिटी में आते हैं या जब हम रेकी हीलिंग्स करते हैं, हमें अपनी ही हीलिंग्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक होने के बाद हमें लगता है ओह माय गॉड, क्या मेरे अंदर इतनी पावर है। तो हमें अपनी पावर्स का भी अंदाज़ा नहीं है और फिर इन पत्थरों की तो हम कुछ बिल्कुल जानकारी ही नहीं रखते। सो मैंने फर्स्ट टाइम जब भी क्रिस्टल यूज़ करे थे अपने किसी किडनी पेशेंट पे यूज़ किए थे और उनको मैंने रेगुलर 6 मंथ्स तक इसके साथ पानी पिलाया था, और जिसका टेस्टिमोनियल भी मेरे चैनल पर है सक्सेस स्टोरीज में। हो सकेगा तो मैं उसका बाइट इस वीडियो में ऐड करवा दूंगी। सो आइए अब बात करते हैं स्टोन की। सो इसको सबसे पहले यूज़ कैसे करना है। इसको हम 2 स्टोन लेकर एक बड़ी 1 लीटर की कांच की बॉटल में इसको रख देना है। ओवरनाइट इसको सोक करना है। ओवरनाइट सोक करने के बाद मॉर्निंग में उसका पानी जो किडनी पेशेंट है उनको पी लेना है। उसके बाद जब वो बॉटल हाफ हो जाए तो उस बॉटल को फिर से रिफिल कर लेना है। जैसे आपने 2 ग्लास 1 लीटर की बॉटल है, 1-2 ग्लास पानी उसमें से पी लिया, फिर से उसे रिफिल कीजिए। आधे 1 घंटे बाद आप फिर से पानी पियेंगे तो जब वो बॉटल हाफ हो जाएगी आप उसे रिफिल करते रहिए। तो पूरे दिन आप वो पानी इस तरह से रिफिल करके पीते रहिए। रात को आप फिर से वो जो पूरी बॉटल जो खाली हो जाएगी लास्ट वाला पानी एंड करके फिर से उसे रिफिल कीजिए और ओवरनाइट वो पानी उसी में रहेगा और इसे आप पियेंगे। वैसे किडनी पेशेंट को बार बार रिफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डॉक्टर उनको जो वाटर इनटेक जो रिकमेंड करते हैं वो बहुत लिमिटेड होता है। तो एक छोटी बॉटल आप बनाइए, मे बी 650 ml की या 500 ml की, और उसे 1 या 2 बार एक या 1.25 लीटर पानी मैक्सिमम होता है अगर बहुत ज़्यादा किडनी इश्यूज़ हैं तो। तो ये पानी इस तरह से रिपीट करते जाएंगे, पीते जाएंगे। कुछ महीनों तक तो कंटिन्यूसली इसे पीना है और उसके साथ साथ आप रेकी हीलिंग्स या आप रेकी सीख सकते हैं और या फिर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सेकेंडली, ये तो हो गई किडनी पेशेंट की बात, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टोन को किडनी स्टोन ही कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है किडनी स्टोन। प्लस इसके साथ साथ ये जो स्टोन है ये सोलर चक्रा से रिलेटेड है। सोलर चक्रा से रिलेटेड होते हैं हमारे फियर्स, एंग्जाइटीज, पैनिक अटैक। आप छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाते हैं, हल्की सी बात से आपके हाथ पैरों में पसीना आ जाता है और बहुत पैल्पिटेशंस हो जाती हैं, घबराहट उठ जाती है। कई कुछ गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ मिलते ही आपको एक स्टमक में अजीब से तरह के क्रैम्प्स पड़ते हैं और आपको वॉशरूम भागना पड़ता है। तो ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करता है। सेम तरह से वाटर चार्ज करके पी सकते हैं, नहीं तो इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को एनर्जाइज करके अपने आसपास आप रख भी सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। किडनी इश्यूज़ के साथ साथ और भी कुछ फिजिकल डिजीज़ हैं जिसमें आपको ये हेल्प करता है। अगर आपको माइग्रेन है तो भी आप ये स्टोन यूज़ कर सकते हैं। फिजिकली आपको फिटीक फील होता है, आप फिजिकल एक्टिव और स्ट्रेंथ चाहते हैं बॉडी में, तो ये स्टोन यूज़ कर सकते हैं। और या फिर आपको एस्थमा है, एस्थमा पेशेंट के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। ये होगी फिज़िकल, इमोशनल सब चीज़ों की बात। तो एक पर्टिकुलर स्टोन आप अगर सपोज़ आपने इसको पहले किडनी के लिए लिया और बाकी चीज़ों में भी आप सेम स्टोन को प्यूरिफाई करके सिंबल्स के साथ एनर्जाइज करके फिर से दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेलाशाइट के बारे में पूरी डिटेल। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हाय एवरीवन, माय नेम इज अंजुरोड़ा। आज से 6 साल पहले मैं किडनी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी, किडनी फेलियर आई मीन टू से। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि ये एक बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है टू हैंडल, एंड फॉर फ्यू मंथ्स गीता ट्रीटेड मी वेरी वेल। गीता ने मुझे रेकी दी, हीलिंग दी, बहुत कुछ दिया, प्यार दिया, पता नहीं क्या क्या दिया, वो गीता मस्ट बी नोइंग। बट मैं ये जानती हूँ कि वो चीज़ उस वक्त मेरे लिए बहुत 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 ज़रूरी थी
और सबसे बड़ी बात है मैंने डॉक्टर का कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं लिया, ओनली गीता की हीलिंग्स, गीता का प्यार, और मैं सुबह अपना योगा प्राणायाम करती थी, जो चीज़ें मुझे मालूम थी करनी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है. एंड एट द सेम टाइम आई डिड दैट, आई वेंट क्लोज टू द नेचर एंड आई वॉज कमिंग क्लोजर टू द गीता ऑल्सो. तो ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन मुझे मिला, इसने मुझे बिल्कुल 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 100% क्योर कर दिया. मेरे जो कठिनाई थे 1.8 पे मैं मतलब स्टार्ट हुआ था, और अब मेरे 1.2 है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन्स के भी मैं नॉर्मल आती हूँ. बॉर्डर लाइन 1.3 होती है, मैं 1.2 पे हूँ. और मैं बता नहीं सकती कि वो मेरे अंदर जो डर था, वो जो फोबिया था, इट्स नो मोर. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड. और कोई भी ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जिससे आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़े या कुछ भी. समझो डॉक्टर्स आपको डराते हैं, वो बाहर बाहर जानते हैं, उन्हें अंदर का नहीं पता. हमारी बॉडी अंदर से क्या चाहती है, कैसे हील होना चाहती है, कैसे प्यार चाहती है, वो सब हीलर्स को पता. एंड गीता ने वही सब काम मेरे किडनीज पे किया, मेरे अंदर और ऑर्गन्स पे किया, मेरे मन पे, मेरी आत्मा पे, मेरी सोल पे, मेरे माइंड पे, सब जगह किया. एंड इसका जो रिजल्ट है वो आज आपके सामने है. आई एम टू हेल्दी, आई एम टोटली क्योर, आई एम वेरी वेल, आई एम वेरी मच हेल्दी. थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू.